किन्नर, जिसे आज भी हमारे समाज से अलग माना जाता है, लेकिन हमारे समाज को समझना चाहिए कि ये भी हमारे समाज के हिस्से हैं। दोस्तों, किन्नर के बारे में बहुत से फैक्ट्स हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि गर्भ में बच्चे किन्नर कैसे जन्म लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपको मेरे इस फैक्ट्स से भरी वीडियो में स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किन्नरों में पुरुष और स्त्री दोनों के गुण पाए जाते हैं। मेडिकल साइंस की माने तो महिला जब गर्भवती होती है तो 3 माह के बाद शिशु का विकास होना शुरू हो जाता है। इसी बीच अगर माँ को कोई बीमारी या फिर समस्या हो जाए तो गर्भ में हार्मोन्स की समस्या के कारण शिशु के अंदर महिला और पुरुष दोनों के ऑर्गन्स आ जाते हैं। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 40 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 2 सेक्स जोम्स होते हैं। यही 2 सेक्स क्रोमोसोम्स जेंडर डिसाइड करते हैं। पुरुषों में XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं और महिलाओं में XX क्रोमोसोम्स मिलते हैं, और इन्हीं दोनों के मिलने से गर्भ में बच्चा विकसित होता है। ऐसे में अगर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स यानी XY और XX के अलावा कोई तीसरा पेयर बन जाता है, यानी XXX या फिर YY, तब बच्चा किन्नर पैदा लेता है और बच्चे में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण आ जाते हैं। इस तरह प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में गर्भ में पल रहे बच्चे में क्रोमोसोम की संख्या और उनकी बनावट में परिवर्तन होने लगता है, जिसकी वजह से किन्नर शिशु जन्म लेता है। दोस्तों, अगर प्रेग्नेंट महिला किसी भारी बीमारी से पीड़ित हो जाती है, तब चांस होता है कि पेट में पल रहे बच्चे किन्नर जन्म ले। अगर शुरुआती 3 महीनों में महिला को तेज बुखार आ जाए और वह दवाई की हैवी डोज ले लेती है, तो उससे भी थर्ड डेंजर होने की चांसेस बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान खराब भोजन करने या फिर खास तरह के केमिकल से तैयार फ्रूट या वेजिटेबल का सेवन करने से भी इस तरह की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में एक्सीडेंट या फिर बड़ी चोट का भी बच्चे पर असर होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। बुखार या फिर अन्य किसी भी तरह के परेशानी हो तो अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, आज हमने देखा कि एक किन्नर का जन्म कैसे होता है। इसमें किन्नर का कोई दोष नहीं होता है। ऐसे में हमें किन्नरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे समाज के ही हिस्सा है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।